Yes! Instant khichdi ball! Ball! Yo, ball! Tham suna hai. Oye je chor hai, teen to kitna khatarnak chor hai. Dangerous! Teen to bada bada chori kiya hai. Lekin ye log wo chor, hote hi pare na kono din. Arre humne bank loote hai, departmental stores loote hai. और चप्पल की दुकान चोरी करने के बाद हमने चप्पल की दुकान वाले का जो सर फोड़ा था, तीन बार बोलेगा, जो सर फोड़ा था सब लोग ताली बजाने लगे थे। अरे तू उसका सर फोड़ेगा, लोग ताली बजाएगा? हाँ हाँ हाँ, एम्बुलेंस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, ऐसे करके। लेकिन तब तक हम लोग भाग चुके थे हीरे मोती लेकर। होते ही पारे ना कोनो दिन। चप्पल का दुकान से तुम लोग हीरा मोती कैसे चुराया है? वो जैसी बहन को मालूम। अरे चप्पल की दुकान से तो चप्पल ही चोरी किए थे हीरे जवाहरात, तो चोरी की दुकान से चुराए थे चिकू। तुमने चोरी की दुकान में भी चोरी की थी? माने तुमको मालूम नहीं है? अब कौन कौन सी चोरियां याद रखेंगे इंस्पेक्टर साहब? हम चोर ये भी मुश्किल से याद रखा है बापू। क्या? देखो अभी आप इंस्पेक्टर है, लेकिन अचानक जैसी भी ना कि आपको बोलेगी चलो चलो चलो, अभी आप डॉक्टर है, तो आप डर पड़ा जाओगे कि नहीं बापू? उसी तरह मैं कैटरर हूँ, मेरा कैटरी का ददा दम दो कार चलता है। तो फिर तुम चोरी काय करता है? शौक शौक शौक। मुझे एक बार शौक लगा था इलेक्ट्रिक का, तब से मैं शौक मतलब हॉबी, हॉबी चोरी करना हॉबी है चीकू की, है ना? हाँ, चीकू की चोरी करना मेरी हॉबी है। एक बार मैंने नींबू भी चुराया था चीकू के साथ। अरे चीकू तेरा नाम है हिमांशु। हिमांशु हिमांशु तार माने तुम्हारा नाम हिमांशु है के तुम्हारा नाम चीकू है? हिमांशु इसका पेट नेम है। होते पारे ना कोनो दिन। अभी क्या है, जो असल नाम होता है वो बड़ा होता है। अच्छा जमुन, हमारा नाम क्या लिखा है इधर देखो? ऐसे मुखर्जी। माने सर्वजनीन विद्यासागर मुखर्जी। किंतु हमारा पुकारने का नाम, माने बंगाली में जिसको डाक नाम बोलता है, क्या है पूछो? क्या है? क्या है? फू। अच्छा फू। अरे हो जाता है ऐसा कभी कभी फू। अब देखो शकल से आपको जल्लाद या चांडल होना चाहिए था, लेकिन आप हो क्या? इंस्पेक्टर है ना, तो हो गया ना उल्टा। इसी तरह ये लोग खूंखारे बस। होते ही पारे ना कोनो दिन। ऐ धीमंत झबेरी, ऐ तीन जन को अलग अलग शेर में बंद करेगा और इन लोगों को जमानत होने देगा नहीं। ऐ होता ही हीरा पन्ना अल्लाह दिन। बुसर में समझा दूंगा। भगवान, जैसी भाभी आपका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगा? हंसा भाभी और प्रफुल भैया को अपनी मनमानी करने की इजाजत देकर। भाई कोई नहीं, समझाओ ये क्या हो रहा है, यहाँ ये दीवार क्यों चुनवा रहे हैं? क्योंकि आपकी ये सलाखो वाली जो दीवार है ना, उसमें इतनी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, देखिए। ये दरारें पड़ नहीं गई है, पहले से ऐसी थी। तो आपने ऐसी क्यों बनवाई? हाँ प्रफुल, इन्होंने ना लोहा बचाया। अरे ये डिजाइन है डिजाइन, और ये जेल है, यहाँ दीवार नहीं चुनवा सकते। अरे अगर हम दीवार नहीं चुनवाएंगे तो जो हमने एसी लगवाया उसकी हवा बाहर नहीं चली जाएगी। एसी? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी अंशा के लिए, इंस्पेक्टर साहब मेरी अंशा के लिए एसी जेल, देखिए। इन्हें एसी किसने लगवाने दिया?
अरे मैंने ही लगाने दिया धीमन। जैसी भाभी आप मेरी बात, मैंने तुझे सीनियर इंस्पेक्टर से बचाया ना, अब चुपचाप बैठ और रोटी को घी लगा। जैसी भाभी ये गोभी बारी काटो। अरे तू क्या गोभी काट के बैठ गया राम जी? मेरा ही फोन होगा। हाँ अच्छा आ जाइए आ जाइए। भाई लो जयश्री भाभी, एक बड़े पत्रकार को खबर मिल गई है कि हंसा भाभी ने 3 चोरों को भागने में मदद की है और वो यहाँ आए हैं। तो ना बोल दे। अरे लेकिन उन्होंने पूछा कि प्रफुल भैया और हंसा भाभी यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे? उसका जवाब हंसा भाभी और प्रफुल भैया खुद देंगे पत्रकार को। मिसेस पारेख, हमने सुना है कि आपने 3 चोरों को भगाने का काम किया। चल चल कुछ भी मत बोल, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया है। मैं जब छोटी थी ना तो मेरे पापा ऐसे मेरे को चलाने की कोशिश करते थे, तो कहते थे बेटा 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 चल 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 आजा 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 आजा। तभी भी थाप थाप करके मेरी जगह पे जयश्री चलती थी। इसको तो कुछ भी नहीं आता। एक्सक्यूज मी, मैं एक बहुत बड़ा पत्रकार हूँ। अच्छा, और वो भी डॉक्टरेट। पत्रकार कुमार प्रफुल, डॉक्टरेट मतलब? देखो डॉक्टरेट अंसा, अरे वो मेरा दोस्त डॉक्टर भट्ट, वो और उनकी बीवी जब तुम्हें मिलते हैं तो तुम उन्हें क्या कहती हो? हेलो हाउ आर, खाना खा के जाना। तब उनकी बीवी तुम्हें क्या कहती है? मैं तो जरूर खाना खा के जाऊंगी, लेकिन डॉक्टरेट 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 मुझे लगता है कि ये दोनों को जेल में डाल देना चाहिए। अरे हम दोनों तो जेल में ही थे। हेलो, लोग जेल में थे? हाँ मतलब पुलिस स्टेशन देखने आए थे, है ना, है ना, है ना, है ना? क्योंकि वो हम जेल खरीदना चाहते थे ना, इसलिए। जेल खरीदने आए थे आप? हाँ हम सब खरीदते हैं। हमने पिछले हफ्ते मगरमच्छ खरीदा था। मगरमच्छ? ऐसा हुआ ना कि बाबूजी ने हमें ट्रेन खरीदने से मना कर दिया, तो जयश्री ने कहा कि बाबूजी को मनाने के लिए मगरमच्छ के आंसू गिराने पड़ेंगे। तप, तप, तप। तो हमने मगरमच्छ खरीद लिया। नहीं मतलब आपने मगरमच्छ के आंसू गिराए? गिराने तो मगरमच्छ के आंसू थे, लेकिन गिर गए बाबूजी के आंसू। बाबूजी ने कहा मुझे कह रहे थे प्रफुल ये मगरमच्छ का मुंह खुलवा रहा। मगरमच्छ का मुंह देखकर उनको क्या मिलता? बाबूजी को अपना पैर वापस मिलता, है ना, है ना? बाबूजी का पैर मगरमच्छ के मुंह में था ना। चोर लुटेरों से तो ये दोनों खतरनाक है, इसलिए तो चोर लुटेरे नजर नहीं आ रहे हैं, इनके डर के मारे सारे छिप गए। छुपा नहीं है, भाग गया था। ए दीवान देख, चीकू चीकू आ गया। पक्का चीकू गए हैं, हम पकड़ के लाया है इसको। दीवान तो झबेरी, हम तुमको पहले ही बोला था, होते ही पारे ना कोनो दिन। हाँ 5 बार। ताई तो अभी हम पकड़ के लाया है इनको, इनको अंदर सेल में बंद करेगा, बाद में तुम उनसे मिलेगा, समझा है? हेलो बा जयश्री। कसीब खबर में तो हम जेल से वापस आ गए, धक्के मारकर बाहर निकल लिया और वहाँ पुलिस स्टेशन में हमारी तस्वीर चिपका दिए और नीचे लिखा है कि नेवर वांटेड। अब हम खून भी करेंगे तो भी हमें जेल में नहीं डालेंगे, ऐसी कसम खाई है इंस्पेक्टर धीमन। लेकिन बा प्रफुल भैया को जेल में डालने का सुझाव बाबूजी का था, इसलिए करेक्ट। इंस्टेंट खिचड़ी बॉल बॉल यो बॉल।